नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। नरेगा दिहाड़ी मजदूर मतदाता अनिवार्य रूप से मतदान करें, गौतम अरली ने कहा। मैं एक मजबूत सीएम हूं, आपकी तरह कमजोर पीएम नहीं, सिद्धरामैया ने मोदी से कहा। बीजेपी सांसद शोभा करंदाजे का कहना है कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में बम रखते हैं, पीछे हट जाते हैं। राहुल को यह हफ्ता वसूली कहां से मिली, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह का पलट। बसपा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान से बीजेपी को झटका। अब समाचार विस्तार से। जिला आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि बीदर जिले के सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में बीदर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। धार्मिक स्थलों पर कोई राजनीतिक सभा समारोह नहीं किए जाने चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए केवल अनुमति प्राप्त वाहनों का ही प्रयोग किया जाए तथा प्रत्येक 10 वाहनों के बाद जुलूस को 100 मीटर की दूरी पर रखा जाए तथा किसी भी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भोजन नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि पानी और छाछ दी जा सकती है और इसकी जानकारी सभी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दें। कार्यक्रम आयोजित करने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का ही है। इस समय के बाद कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए तथा एक के बाद एक कार्यक्रम करने के लिए 1 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मकान पर पार्टी का झंडा एवं दीवार लेखन करना हो तो उस मकान के मालिक की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय चुनाव प्रशिक्षण और बीदर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी गौतम अरली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए और आपको मतदान प्रतिशत बढ़ाने की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने बुधवार को अष्टूर ग्राम पंचायत के अंतर्गत नरेगा के कार्यस्थल पर रोजगार दिवस का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के संविधान के तहत चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। उन्होंने कहा, इसीलिए हमें वोट देने का मौका मिला है, हमें इसका फायदा उठाकर वोट करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया जो बीजेपी में बागी नेताओं पर लगाम नहीं लगा सकते। सिद्धरामैया ने सोमवार को शिमोगा में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर मोदी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में इस लूट में भागीदार बनने की होड़ लगी है। इनमें सीएम इन वोटिंग, भावी सीएम आकांक्षी, सुपर सीएम और शैडो सीएम है। कई मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में एक संग्रह मंत्री है। इसके जवाब में सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आप कमजोर पीएम के अलावा और क्या है जो विद्रोही नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सुपर सीएम और शैडो सीएम है। हमारे पास कोई सुपर, कोई छाया नहीं है, केवल एक ही सीएम है जो मजबूत सीएम है। मैं आपकी तरह कमजोर पीएम नहीं हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा, आप खुद को 56 इंच की छाती वाला बताते हैं, आपका प्रशंसक आपको विश्वगुरु कहकर सम्मानित करते हैं, लेकिन आप खुद को बार बार कमजोर पीएम के रूप में दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने एक बार उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्हें गाली दी थी। पार्टी और रैली निकालकर क्या आपने खुद को कमजोर पीएम के रूप में नहीं दिखाया? केंद्रीय मंत्री शोभा करंदाजे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है जब उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम रखा था। उन्होंने बेंगलुरु के एक दुकानदार पर हमले के संबंध में राज्य की राजधानी में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह बात कही। भाजपा सांसद ने कहा कि एक व्यक्ति तमिलनाडु से आता है और एक कैफे में बम रखता है, एक अन्य व्यक्ति दिल्ली से आता है और विधानसौधा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाता है, एक अन्य व्यक्ति केरल से आता है और कॉलेज के छात्रों पर तेजाब फेंकता है। उनके इस बयान की इस हर ओर आलोचना हुई और उन पर सवाल उठाया गया कि जब मामले की जांच चल रही है और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है। भारी प्रतिक्रिया के बाद शोभा ने पलटवार किया और अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगी कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट में शामिल संदिग्ध तमिलनाडु का है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं अपने तमिल भाइयों और बहनों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे शब्द प्रकाश डालने के लिए थे, छाया डालने के लिए नहीं। फिर भी मैं देख रही हूं कि मेरी टिप्पणियों से कुछ लोगों को दुख पहुंचा है और इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मेरी टिप्पणियां पूरी तरह से उन लोगों के लिए थी कृष्णागिरी के जंगल में प्रशिक्षित, जो कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के किसी भी प्रभावित व्यक्ति के लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगती हूं। इसके अलावा मैं अपनी पिछली टिप्पणियों को वापस लेती हूं। शोभा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शोभा की टिप्पणी की
निंदा करते हुए कहा कि उनके पास इस तरह के दावे करने का अधिकार नहीं है। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई से हाई प्रोफाइल बैंगलोर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की अपील की, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। कुमार स्वामी के करीबी रिश्तेदार सीएन मंजुनाथ भाजपा के टिकट पर बैंगलोर ग्रामीण से मौजूदा कांग्रेस सांसद डीके सुरेश, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के छोटे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमार स्वामी ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत के चुनाव आयोग ईसीआई को कार्यवाही शुरू करने का और इस सीट बैंगलोर ग्रामीण के लिए अर्धसैनिक बल भेजने का निर्देश दे, क्योंकि यहां चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होते हैं। यदि वे असफल होते हैं हम कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित एसपी, डीसी और सीईओ को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास डिप्टी सीएम शिव कुमार और उनके भाई के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी बैंगलोर ग्रामीण में मुफ्त चीजें बांटी जा रही हैं। बिना किसी डर के क्षेत्र में प्रेशर कुकर का निर्माण एवं वितरण किया जा रहा है। सोमवार को करीब 4 लाख कुकर बांटे गए। हालांकि यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई, लेकिन मामला रामनगर डीसी को दे दिया गया है, जिन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की बात करते रहते हैं, लेकिन बैंगलोर ग्रामीण में जो हो रहा है वह बिल्कुल विपरीत है। क्षेत्र में 10 से 12 लाख से अधिक प्रेशर कुकर पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी इन दिनों लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इस केंद्र की बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा जबरन वसूली करार दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के हमले पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है तो फिर उनकी पार्टी को जो 1600 करोड़ रुपए मिले उन्हें भी बताना चाहिए कि यह हफ्ता वसूली उन्हें कहां से मिली। हम तो कहते हैं कि यह पारदर्शी दान है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह वसूली है तो उन्हें इसका विवरण देना होगा। अमित शाह ने सीएनएन न्यूज 18 चैनल द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में यह बात की। पूछे जाने पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदा देने वालों की लिस्ट घोषित करेगी, गृहमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। अमित शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो 6000 करोड़ राहुल की घमंडिया गठबंधन को मिला उसका हिसाब दें। जब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सामने आएगी तो इंडिया अलायंस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त राशि को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 6061 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, तृणमूल कांग्रेस को 1610 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान में बीजेपी और यूपी से बसपा को तगड़ा झटका दिया है। यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में शामिल कराया। दानिश अली को अमरोहा से अपना उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी नेता लाल सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लाल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। झारखंड के बीजेपी नेता जयप्रकाश पटेल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता टेक लाल महतो ने झारखंड को सवारने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के संकल्प के साथ बीजेपी में शामिल हुआ। अफसोस कि मैंने अपने पिता के सपनों को उस समय उस दल में नहीं पाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से झारखंड की जनता में उनके प्रति रुझान बढ़ा है। झारखंड में अपने पिता के सपनों को पूरा करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश अपनी आस्था के इस तरह के बार बार अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा ने मंगलवार को कहा कि हिंदू आस्था के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी से पूरा देश नाराज है और इस लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। सत्तारूढ़ दल ने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी किसी अन्य धर्म के खिलाफ
इसी तरह अपमानजनक बयान दे सकते हैं। पार्टी ने कहा कि देश के लोग आगामी चुनाव में राहुल के हिंदू विरोधी बयानों पर जवाब देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी के प्रेरणा से चलने वाली पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह कांग्रेस अब माओवादी विभाजनकारी और अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। उसके विचार हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से इन तत्वों के प्रभाव में है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अन्नाद्रमुक AIADMK ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट पार्टी महासचिव एडपादी के पलानी स्वामी ने जारी की। अन्नाद्रमुक ने चेन्नई दक्षिण सीट से जयवर्धन, उत्तरी चेन्नई से रोयापुरम मनोहरन, कृष्णागिरी से जयप्रकाश, ईरोड से अतरल अशोक कुमार, चिदम्बरम से चंद्रहासन, मदुरई से सरवनन, नामक्कल से तमिल माणी, थेनी सीट से वीडी नारायण स्वामी और नागपट्टिनम लोकसभा क्षेत्र से सुरजीत शंकर को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा सलेम लोकसभा सीट विग्नेश विल्लपुरम से विल्लुपुरम, बकिया राज अराकोनम से AL विजयन को टिकट दिया। सूची जारी करते हुए पार्टी महासचिव ने कहा कि DMK के 5 निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पुथिया तमिलगम और STPI को एक एक लोकसभा सीटें दी गई हैं। पलानी स्वामी ने कहा AIDMK गठबंधन में तेनकासी निर्वाचन क्षेत्र से DMDMK को 5 सीटों पर, SDPI को 1 सीट पर और पुथिया तमिलगम को 1 सीट पर चुनाव लड़ना है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी संबंध कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वहीं केजरीवाल ने वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग भी की है। सिंघवी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा कि इस मामले में ईडी ने जवाब मांगा जाए। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से पूछे कि हमारी दलीलें और विरोध में ग्राउंड पर उनका रुख क्या है। सिंघवी ने कहा कि क्या राजनीतिक दल PM के दायरे में आते हैं। इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। मामला लंबित है। वहीं ईडी की एक तरफ ASG SV राजू के केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठा और कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, हम इस बार जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तब से आज तक पेश नहीं हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में घातक गैस विस्फोट होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में कोयला खदान धंस जाने से उसमें काम कर रहे 12 श्रमिकों की दबकर मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 8 खनिकों को बचाया लिया गया। पाक अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान के आन डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह घटना हरनाई जिले के जरदालू इलाके में हुई। बलूचिस्तान के मुख्य खदान निरीक्षक अब्दुल गली गनी बलोच के हवाले से खबर में कहा गया कि जरदालू इलाके में रात में जब मीथेन गैस पे विस्फोट हुआ तो उस दौरान 20 खनिक खदान में मौजूद थे। इस दौरान बचाव दल ने 12 शव बरामद किए हैं, जबकि 8 खनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया है। इसराइल गाजा में जमकर प्रहार कर रहा है, लड़ाई खतरनाक रूप ले चुकी है। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार इसराइली हमास युद्ध गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास भीषण लड़ाई जारी है। हमास के 50 लड़ाकों की इसराइली हमलों में मारे जाने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में इसराइली सेना मंगलवार को दूसरे दिन फिर से घुस गई और अस्पताल तथा आसपास के इलाकों में धमाकों और गोलीबारी की आवाजें आती रहीं। उधर इसराइली आर्मी IDF ने कहा कि उसने अस्पताल में हमास के 50 चरमपंथियों को मार दिया। हालांकि इस बात
की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी कि मरने वाले अधिकांश लड़ाके हिंदू। इसराइल ने शिफा मेडिकल परिसर पर नवंबर में हमला किया था। इसके बाद अस्पताल आंशिक रूप से ही संचालित किया जा रहा था। इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच आसपास के जिलों में भीषण लड़ाई की वजह से अस्पताल के परिसर में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी पेशेंट, चिकित्साकर्मी और विस्थापित लोग फंस गए हैं। अस्पताल के पास रहने वाली एमी शाहीन ने बताया कि हालात फिलहाल बहुत खराब है और शिफा इलाके में भारी बमबारी हो रही है। शाहीन ने बताया कि अस्पताल के पास कुछ घंटों से भीषण आग लगी हुई है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। नरेगा दिहाड़ी मजदूर मतदाता अनिवार्य रूप से मतदान करें, गौतम अरली ने कहा। मैं एक मजबूत सीएम हूं, आपकी तरह कमजोर पीएम नहीं, सिद्धरामैया ने मोदी से कहा। बीजेपी सांसद शोभा करंदाजे का कहना है कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में बम रखते हैं, पीछे हट जाते हैं। राहुल को यह हफ्ता वसूली कहां से मिली, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह का पलटवार। बसपा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान से बीजेपी को झटका। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।